आज मैं लेके आई हूँ कच्चे आम का कुच्चा अचार, जो बनाना बहुत आसान है और आप इसे अभी बना के और अभी से ही खाना शुरू कर सकते हैं। ये इंस्टेंट अचार है, बहुत जल्दी बहुत आसान तरीके से बन के तैयार हो जाता है। तो चलिए बिना देर के हुए इसे बनाना शुरू करते हैं। इस कुच्चे अचार को बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ले लिया है 250 ग्राम कच्चा आम। ये बहुत ही आसानी से मार्केट में मिल रहा है, तो आप इसे ले सकते हैं। इसे अच्छे से धो के और पोंछ लेना है, जिससे कि जो हम अचार बनाए तो वो खराब ना हो, इस बात का ध्यान रखना है, नहीं तो अचार जो है बहुत जल्दी खराब हो जाता है। साथ ही हम ले लेंगे 2 इंच अदरक का टुकड़ा, 5 हरी मिर्चें, 15 से 20 लहसुन की कलियां। लहसुन की कलियां और हरी मिर्ची आप ज्यादा कम कर सकते हैं इसमें अपने टेस्ट के हिसाब से। अब हमें क्या करना है कि आम को छील लेना है, तो पीलर की सहायता से या फिर चाकू की सहायता से हम आम को छील लेंगे। इसी तरीके से हमें सारे आम को छील लेना है। यहाँ पे मैंने सारे आम छील लिए हैं। अब इसे हमें मोटे मोटे टुकड़ों में काट लेना है, बहुत ज्यादा छोटे टुकड़े भी नहीं करने हैं, बहुत ज्यादा मोटे टुकड़े भी नहीं करने हैं। तो सारे आम को हम काट लेंगे। आम को हमें रफली काट लेना है, क्योंकि हम बाद में इसका कुच्चा ही बनाएंगे। ये मैंने आम को काट लिया है, जो बड़े ज्यादा बहुत ज्यादा बड़े टुकड़े हैं उसको इस तरीके से छोटा कर लेंगे, बहुत ज्यादा छोटा नहीं करना है। यहाँ पे मैंने आम को मोटे चंक्स में काट के ले लिए हैं। अब हम एक चॉपर ले लेंगे। मेरे पास यहाँ पे चॉपर है, वो मैं लूंगी। आपके पास अगर चॉपर नहीं है तो आप जो ये आधी कूचने वाला होता है वो ले ले, या फिर मिक्सी के जार में ही रफली दरदरा इसे पीस ले, उससे भी आम का जो कुच्चा अचार है वो बन के तैयार हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मेहनत यहाँ पे ग्रेट करने की जरूरत नहीं है, ग्रेट करने में आपको बहुत टाइम लगता है। अब हम इस चॉपर में डाल देंगे लहसुन, हरी मिर्च को 2-3 टुकड़ों में करके डाल देंगे। साथ ही हम अदरक को भी डाल देंगे थोड़े से छोटे छोटे टुकड़े करके, क्योंकि इतना बड़ा अदरक का टुकड़ा जो है वो चॉपर में नहीं कट सकता है। अब इसमें हम थोड़े से आम डाल देते हैं। अब इसे हम चॉप कर लेते हैं। चॉपर में काटने से क्या होगा कि जो सेम टेक्सचर आ जाता है, जो कि हम कूचते हैं या फिर मिक्सी में अगर दरदरा पीसेंगे, वैसा ही टेक्सचर इससे चॉपर से आ जाता है। बहुत ही आसानी से कट भी जाता है, बहुत कम मेहनत में। तो इसी तरीके से हमें सारे आम को काट लेना है। ये देखिए कितनी आसानी से कट गया है। अब हम इसे एक शीशे के बर्तन में निकाल लेते हैं, क्योंकि जब भी आम का अचार या किसी भी तरह का अचार बनाएं तो आप शीशे के बर्तन में या फिर प्लास्टिक के बर्तन में उसे बनाएं। अच्छी क्वालिटी का प्लास्टिक होना चाहिए, जिसमें से स्मेल नहीं आना चाहिए। अब इसी तरीके से हम सारे आम को काट लेंगे। यहाँ पे सारे आम मैंने चॉपर में काट लिए हैं। अब इसे जो हमने जार में पहले से अदरक लहसुन ये सब काट के रख रखा था, उसी में इसे भी डाल देंगे। अब हम इस इंस्टेंट अचार के लिए मसाला तैयार कर लेते हैं, तो इसे साइड कर लेंगे। मसाले में हम ले लेंगे 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच काली वाली सरसों, 1 छोटा चम्मच पीली वाली सरसों, 1 से 1.5 चम्मच धनिया पाउडर और साथ ही 1 चम्मच मेथी दाना। इन सभी को हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है, जिसमें से इसमें से हल्की सी खुशबू आने लगे और मसाले की जो नमी है वो खत्म हो जानी चाहिए। मेनली हमें मसाले को इसलिए रोस्ट करना होता है कि अचार जो है हमारा लंबे समय तक खराब नहीं हो। बहुत ज़्यादा देर हमें इसे भूनने की जरूरत नहीं, ना ही लाल करने की जरूरत है। 1 से 1.5 मिनट में ही ये मसाले जो है अच्छे से भुन जाएंगे। मसाले को भूनते हुए 1 मिनट हो गया है, मसाला अच्छे से भुन गया है, मसाले का जो मॉइस्चर है वो खत्म हो गया। अब हम यहाँ पे गैस को बंद कर देते हैं, मसाले को ठंडा होने देंगे। मसाला जब ठंडा हो जाएगा तब हम इसे पीस लेंगे। दरदरा हमें पीसना है, बहुत ज़्यादा फाइन पाउडर नहीं तैयार करना है।
मसाला जो है वो ठंडा हो गया है और यहाँ पे मैंने मसाले को पीस लिया है। अब इसे साइड कर लेते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। अब जो हमने आम को काट के रखा है उसे ले लेंगे। इसमें हम डाल लेंगे 1/4 छोटा चम्मच कलौंजी, साथ ही हम डाल लेंगे 1 चम्मच अजवाइन। कलौंजी और अजवाइन जो है वो अचार में जरूर पड़ता है, बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है इससे। साथ ही हम डाल लेंगे स्वाद अनुसार नमक, तो 1 से 1.5 चम्मच नमक यहाँ मैं डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के हिसाब से नमक डालें, क्योंकि ऐसे भी अचार में थोड़ा सा ज़्यादा नमक पड़ता है। साथ ही हम डाल लेंगे 1/2 छोटा चम्मच काला नमक। अब इसमें हम कुछ मसाले डाल लेते हैं। 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर, 2 चम्मच डाल देंगे। ये मसाला आप बहुत टाइम तक बना के और स्टोर करके रख सकते हैं, ये खराब नहीं होता, और जब भी आपको अचार खाने का मन करे तो आप फटाफट से बना के खा सकते हैं। सभी चीजों को अच्छे से मिक्स कर देंगे। लास्ट में हम इसमें डाल देते हैं 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर। अगर आप तीखा पसंद करते हैं तो यहाँ पे 1 चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च और 1/2 चम्मच जो मिर्च पाउडर होता है वो डालें। इससे बहुत ही अच्छा सा तीखा चटपटा सा ये अचार बनेगा। लेकिन यहाँ पे मैंने हरी मिर्च का प्रयोग किया है, तो मैं यहाँ पे लाल मिर्ची पाउडर नहीं डालूंगी। सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर देना है और 1/2 घंटे के लिए इसे धूप में छोड़ देना है, या फिर नॉर्मल आप इसे 1/2 घंटे के लिए छोड़ दें। जब तक 1/2 घंटे के लिए हम अचार को छोड़ रहे हैं, तब तक यहाँ पे मैंने क्या किया है कि थोड़े से तेल को खूब धुआंदार गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। अब इसे भी ठंडा होने देते हैं। 1/2 घंटे हो गए हैं अचार को रखे हुए। अब हम इसमें डाल देते हैं जो तेल को हमने गर्म करके रखा था, तेल ठंडा हो गया, इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो ये हमारा इंस्टेंट आम का अचार बन के तैयार हो गया है। आप चाहे तो इसे अभी से खाना शुरू कर दें, या फिर अगर आपको 1/2 घंटे के लिए धूप लगानी है तो आप लगा सकते हैं, क्योंकि इससे आपका अचार जो है बहुत लंबे टाइम तक स्टोर आप करके रख सकते हैं। तो आप भी ज़रूर इस अचार को बनाएं और मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी।